आपका चैप्टर है कलर टेक्निक एंड शेडिंग। तो सबसे पहले हम कुछ लीव्स ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। कर्व लाइन लेते हुए इसी तरह से हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें शेडिंग देंगे। तो यहां हम लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन लीफ के लिए ले रहे हैं और पिंक और रेड ले रहे हैं हम पेटल्स के लिए। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लाइट ग्रीन लेंगे और इस तरह से हम पेटल में कलर करेंगे। जैसे हम सिर्फ आधी पत्ती में ही कलर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम डार्क ग्रीन लेंगे और जैसे हम इसको मिक्स करते हुए ऊपर कलर करते जाएंगे। अब हम लाइट ग्रीन लेंगे और इसको मिक्स करेंगे कि ये अलग अलग ना लगे। देखिए लाइट टोन और डार्क टोन आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह से हम दूसरी पत्ती भी करेंगे। सबसे पहले हमने लाइट ग्रीन लिया था, डार्क ग्रीन लेंगे और फिर लाइट ग्रीन से इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम कलर से शेडिंग देते हैं। इसमें भी देखिए लाइट टोन, मिडिल टोन और ये डार्क टोन। अब हम पेटल्स में कलर करेंगे। सबसे पहले हम पिंक कलर ले रहे हैं। जहां भी आप कलर करें सबसे पहले आप लाइट कलर ही लेंगे, उसके बाद ही हम डार्क कलर यूज करते हैं। सबसे पहले हमें लाइट टोन देनी होती है। अब रेड कलर लेंगे। आप कोई भी फ्लावर बनाएंगे उसकी जो पेटल्स होंगी उसमें इस तरह से कलर करेंगे और शेडिंग वर्क करेंगे। इस तरह से देखिए लाइट टोन, मिडिल टोन और ये
डार्क टोन। ऐसे ही आप दूसरी पेटल भी करेंगे। इस तरह से डार्क कलर लेके इसमें मिक्स करेंगे। और फिर लाइट कलर से इसको मिक्स करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब ये आप कर लेंगे उसके बाद एक आप फ्लावर बनाएंगे यहाँ पर और उसकी पेटल्स बनाएंगे और इसी तरह से उसमें कलर की शेडिंग देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से ये पेटल्स इसकी ड्रॉ करेंगे। इसमें हम शेडिंग वर्क करेंगे। क्या किया था हमने, सबसे पहले लाइट कलर लिया था, फिर हम डार्क कलर लेंगे। फिर हम इसको मिक्स कर देंगे लाइट कलर से। इस तरह से हम जितनी भी पेटल्स हैं इस फ्लावर की उसको पूरा कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम लीफ में कलर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक अब हम लाइट कलर लेंगे, लाइट ग्रीन। और इस तरह से हम अब हम डार्क कलर लेंगे। अब इसको लाइट कलर से मिक्स कर देंगे। हल्का हल्का ही मिक्स करेंगे, ये मत कीजिएगा कि सारा ही मिक्स करते एकदम। बस इस तरह से ऐसे ही हम दूसरी पेटल करेंगे। लाइट कलर किया, फिर डार्क लिया, इनको मिक्स कर दिया। इस तरह से हमारा ये फ्लावर कलर टेक्निक जो हमने शेडिंग वर्क किया है पूरा हो गया।